खोमैनी बुलाया, सबके ऊपर गोली मरवा दिया जा, क्योंकि पढ़ा था जलिया वाला बाग सबको शांत करा दिया वहां पे, जा यहां पे सबको कह दिया या तो बंद कीजिए या तो हम आपको हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पूरी तरह से चौपट, अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने अपना चार चार को हेलीकॉप्टर भेजा यहां पे कमांडो के साथ, कौन एक क्लब पे मारा गया, मारो तो तब तक अफगानिस्तान ईरान में एक रेगिस्तान है, दस्ते लूट मरुआ वहां सर जरा आंधी उठ गया, एगो हेलीकॉप्टर हुआ, दू गो आपस में लड़ गए सब, जैसे लड़ गए सर रडार में पता चल गया, खोमैनी दिखाई दी सुचरा तू नहीं तो गड़बड़ कर रहा है, तुरंत दूतावास पे कब्जा करके उसके राजदूते को कब्जा कर लिया, बाद में समझौता होके वापस ईरान अमेरिका को यहां से लौटना पड़ा, यहां से कौन लौट गया अमेरिका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताइए इसके बावजूद अगर कोई इन दोनों देशों को शरीफ कहे अमेरिका और रूस को, तब इसका मतलब वो नहीं पढ़ा है। क्या मतलब है किसी देश में घुस के दूसरे देश को कल्चर थोपने का, अमेरिका के लोगों में घुस के हम लोग वहां की महिलाओं को अगर साड़ी पहनाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे यहां पे। ये घुस के अफगानिस्तान वाला अगर इराक में किसी महिला को बुर्का पहनाए एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन वो अपना वाला आराम से थोपेंगे यहां पर सर। तो ये कल्चरल लड़ाई बहुत भयानक था यहां पर। तो अच्छा अमेरिका वाले को कहेगा साड़ी पहन के देहाती है, उन लोग का कल्चर पर। अब यहां से दुश्मनी हो गई किसकी, अमेरिका के। अमेरिका खोमैनी को देखना नहीं चाहता, सद्दाम हुसैन काट मिल गया किसका, खोमैनी का। खोमैनी थे सिया, ई थे सुन्नी, ईरान था सिया देश और उसका नेता खोमैनी भी था। इराक में एक बहुत बड़ी आबादी सिया थी लेकिन उसका लीडर कौन था, सुन्नी। तो खोमैनी चाहते थे कि कैसे भी सद्दाम हुसैन को हटा के इराक में एक सिया प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसका डर था किसको, सद्दाम हुसैन को। खोमैनी चाहते थे कि यहां के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। इस नए तेल क्षेत्र के खोज के बाद दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है, युद्ध। क्या हो जाता है, युद्ध। और यह युद्ध रूप लेता है इराक ईरान वार। किसका रूप लेता है, इराक ईरान वार 1980। इस युद्ध में इराक वायुसेना से ईरान को कचल देता है और ईरान हार जाता है। इस युद्ध में ईरान हारने लगता है और जब यह ईरान हारने लगता है तो खोमैनी कहता है कि अगर तुम युद्ध हारे तो पूरी दुनिया में एक ही सिया देश है, फिर कोई नहीं बचेगा यहां पर, इसलिए तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है, इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा युद्ध में। और उसके बाद हुआ कि 15 साल 16 साल 18 साल का लड़का ईरान के युद्ध में क्या बन गया, सेना बन गया, सेना। और ईरान के सैनिक लाइन लगा के लड़ते थे, उन्हें पता था कि अगला सिपाही अगर मरेगा तो पिछला कब्जा कर लेगा। 2 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया, इराक का। ब्रिटेन अमेरिका ने किसका साथ दिया, इराक का। सऊदी अरब ने किसका साथ दिया, इराक, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी था, ज्यादा था सिया मरा जाए यहाँ पे। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया, इराक का। सब ने किसका साथ दिया, रूस परेशान हो गया क्योंकि रूस का इराक से भी दोस्त थी, ईरान से भी दोस्त थी। अब रूस चुपचाप समझाने में लग गया, अरे मारकाट मत कर, मारकाट मत कर। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या हुआ, सद्दाम हुसैन जब देखे कि भैया अब तो गड़बड़ होने लगा, पैसा वैसा खर्चा हो गया, तो सद्दाम हुसैन को पैसा किसने दिया, सऊदी अरब। और यहाँ एक छोटा देश है कुवैत, इसने भी पैसा दिया, कहा कि मारिए इसको, ये भी पैसा दिया, मारिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं। और उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो 2 साल बाद सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, युद्ध से खून खराबा से कुछ नहीं होगा, हम ईरान के दिए गए क्षेत्र को वापस दे देते हैं। खोमैनी कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ जाइए वापस दे दीजिए। तो वापस ले लिया खोमैनी, खोमैनी मार दिया किसको, अल बसरा को, इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अल बसरा, अब मार के तबाह कर दिया। कहा कि हम भी युद्ध विराम चाहते हैं लेकिन पहले बराबर चोट पहुंचाएंगे तब, फिर युद्ध पनप गया 5 साल और। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया, इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहे हैं। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया, इसका उड़ाया उसका उड़ाया।
पूरी दुनिया में तेल की खत्म किल्लत हो गई, अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया सातवां आसमान पे, पूरी दुनिया करी रे भाई मना एक नहीं गया, पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल पे चल रही है, अब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारा लुब्रिकेंट बनता है, वैसलीन, दुनिया भर का पूरी दुनिया परेशान हो गई। अरे यार समझाओ इन सबको, एकनी के चक्कर में पूरी दुनिया चल जाएगी यहाँ पर। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। अगर दुनिया को दिक्कत है तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूरोप को दिक्कत होता है ना तो उसको पूरी दुनिया को दिक्कत। जब तक ये देश आपस में लड़ रहे थे मजा ले रहा था, मारो मारो मारो, जब पेट्रोलियम सप्लाई बंद हो गया तो कहा बाप रे बाप, रोको 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 रोको, है लड़ाई नहीं करना, रुको रुको, समझौता करो समझौता करो, लड़ाई नहीं होगा लड़ाई नहीं होगा। 10 साल 8 साल तक यह युद्ध चला, 88 अब बाद में रोकवा दिया गया है। सद्दाम हुसैन रन रन दो वापस जाओ वापस जाओ, है खोमैनी साहब उधर जी, खोमैनी उधर जी, खोमैनी को उधर भेज दिया, यहां चला गया। इसमें 20,000 आम इंसान मारे गए थे, आम इंसान मारे गए थे, जैसे जैसे स्कूल चल रहा है कॉलेज चल रहा है बम गिरा दिया ले आके, ये आम इंसान मारे गए थे। आपको क्या लगता है, आप कभी सुने हमारा वेस्टर्न कंट्री का हम बहुत तारीफ किए हो? अमेरिका का साथ किसने दिया, सॉरी इराक का साथ किसने दिया, हमें और किसने दिया? 2 साल बाद ब्रिटेन ने साथ दिया इराक का, अमेरिका ने साथ दिया इराक का, नाटो देशों ने साथ दिया इराक, फ्रांस ने साथ दिया इराक का, और 2 साल बाद इराक पे हमला कर दिया। हाँ सद्दाम हुसैन को फांसी दिलाने में अमेरिका का हाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इराक का साथ दिया था अमेरिका, अब फिर इराक को मारा अमेरिका, अरे ये दुनिया को गोली मारी है। 1971 पे हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था, उसके बाद से मोदी जी को बुला के बर्गर खिला रहा था, हाउडी मोदी बर्गर खाओ। ये लोग कब किधर पलटेगा कोई नहीं पता इन लोग को। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे ना तो वीजा नहीं दिया था, कहा था कि ऐसे हत्यारा कहता था मोदी जी, कहता इनको हम अपने यहां वीजा नहीं देंगे, आने के बाद नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी ये सब चीजें करने लगा। अगर किसी, अच्छा जरा सोचिए इन लोग की मेंटेलिटी सोचिए, गुजरात में जो हिंसा हुई, गुजरात में जो दंगे हुए, इसके लिए भारत में ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीरी पंडित का बात हो, चाहे आपका पंजाब में सिखों को नरसंहार हो, चाहे गुजरात का, ये तीनों गलत है। हमारे देश की विडंबना ये है कि कोई भी बात करेगा तो एक की बात करेगा, किसी को गुजरात से समस्या है तो कश्मीर में क्या हो रहा है उसको टेंशन ही नहीं, किसी कश्मीर की पंडित की चिंता है तो उसमें बेचारे सिख की जान गई उसकी कोई चिंता नहीं, अरे ओवरऑल पूरे भारत का लॉस हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कोई बाहर का आदमी आके हमें समझाएगा? अच्छा अगर ये कश्मीर वाला मामला गलत है, एकदम गलत है, सिखों के साथ हुआ वो भी गलत है, गुजरात में जो हुआ वो भी गलत है, तो ये इराक में हुआ वो, वियतनाम में 27 करोड़ बम गिराया गया वो, कोरिया में घुस के मार दिया वो, अफगानिस्तान में हुआ वो, ये सही हो गया? बाप रे बाप, यहां देख रहे हैं, बोलो समझ रहा है? अच्छा पहली बार समझा है, जब समझता है सब ना तो फिर खुश हो जाता है सब, हम बकलोल नहीं है। हाँ ईरान का कोई साथ नहीं दिया, अकेले लड़ा था, समझ में आ गया कि नहीं? वियतनाम का साथ देने कौन आया था? कोई नहीं, मार दिया कि नहीं उस अकेले? अफगानिस्तान का साथ देने कौन गया? मार सकता था, मार दिया उन्होंने, रूस दोनों का साथ ही था ना, नहीं मार सकता है। आप दोनों लड़का लड़की से मार कर दो आपस में लड़ लेती तो हम छोड़ा नहीं जाते हैं, हम कहते हैं दो लड़की मार करते कहाँ छोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर का करेंट, भागो भागो भागो। दो लड़की मार कर तो उस सबको बीच में जाइएगा तो अच्छा, स्टाफ सबको भी कहते कि टेंशन नहीं ले, बहुत गंभीर नहीं होगा, वो का बाल नोचिए उसका नोचिए, अच्छा फट्टे लड़ जाती है सब। अच्छा खराब हमको क्या लगता है आप समझिए, फिर 2 दिन बाद बोलने क्यों लगती है, आत्मसम्मान नहीं है? हमारा एक लड़का के साथ क्लास 6 में टिफिन को लेकर झगड़ा हो गया था, वो हम उसका टिफिन नहीं रखे थे, एक दूसरा लड़का उसका टिफिन हुआ मेरे बैगवा में रख दिया, हमें पता नहीं था, हम खोले तो उसका टिफिन निकला, करा तुम चोर है, मुहामुही तो नहीं ज्यादा हो गया, एक हाथ लपड़ झपड़ चल गया। क्लास 6 में हम पढ़ते थे, क्लास 6 में, आज तक ना बोलते, आज तक नहीं बोलते, और
और अगला जन्म में भी ना बोलेंगे। आत्मसम्मान होना चाहिए। गलत बात क्या है? आप नहीं, हम किसी से नहीं उलझते हैं। कितनों बोल देता है, देखते हैं कि इसका मेंटेलिटी ठीक नहीं है, आज लड़ाई के मूड में है, तो हंसी मजाक कर, भाई तुम आज लड़ने के मूड में, चल चाय पिलाते हैं। उसके बावजूद लड़ लोगे, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप किसी से मत उलझिए, किसी से नहीं। दोस्ती ऐसे कीजिए कि लोग मिसाल दे, दुश्मनी भी ऐसे कीजिए कि भगवान दहल जाए, यार बहुत खराब आदमी है। आगे बढ़े, चलिए। आप लोग कोई लड़का को तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आप आगे समझते हैं, बोलिए। तालिबान वाले क्यों मार रहे हैं? किसको? अफगानिस्तान को मार रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या अत्याचार किया, ये आपको मीडिया दिखाई नहीं? क्योंकि यूट्यूब अमेरिका का, गूगल ट्विटर, फेसबुक, समझ में आ गया। रूस यूक्रेन को मार रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यूक्रेन एक को मार देता है तो दिखा जाता है यूक्रेन बहुत अच्छा है, ठीक है, वन साइडेड। अब यहां चलिए ईरान पे आते हैं, तो सद्दाम, इन लोगों की लड़ाई खत्म हो गई। अब इसमें बेचारा सद्दाम हुसैन की हालत हो गई खराब, क्योंकि $14 बिलियन दिया था कुवैत, किसको? इराक को, मारो इसको। लगभग $30 बिलियन सऊदी अरब दिया था इराक को, मारो इसको। युद्ध खत्म हो गया तो कह रहा है कि हमारा 14 बिलियन वापस करो। ये तो भयानक बवाल हो गया। हम उकरा सदा मुझे ही का कर रहा है, अब हम पैसा ना दे दो। सऊदी अरब कह रहा है कि तुमको दिए थे ना, मारो इसको। कर ये कौन बात है तुमको? तुम पहले बोला रहा था कि उधार दे रहे हैं, मारने के बाद लेगा। अब भड़क गया कौन? सद्दाम हुसैन। कहा कि सब गड़बड़ कर रहा है यहां पर, अब बवाल हो गया यहां पर। इसके अलावे क्या हुआ समझिए, ये कुवैत जो देश है ना, कुवैत 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 का ज्योग्राफिकल डिजाइन जो है इराक से नीचे, हाइट में इराक क्या है ऊपर, और कुवैत कहां है नीचे। अगर बॉर्डर पे अगर तेल का कुआं ड्रिल करके निकाला जाए ना, तो इराक का भी तेलवा किधर चलाएगा? कुवैत। कहां चलाएगा? कुवैत पे। अब कुवैत लगा इराक का तेल चुराने, और बेचारा अब ये युद्ध से उठा है 8 साल युद्ध के बाद, और उसका तेल चुराने लगा कौन? कुवैत। अमेरिका चढ़ा दिया, चुराना क्या दिक्कत है, आधा हमको दे देना, कोई एथिक्स उथिक्स नहीं होता इन लोग को, तेल चुरा के आधा किसको दे दे रहा था। और कुवैत इतनी चुकी देश है, चिनिया बादाम बराबर है, एकदम इतनी चुकी है, लड़ गया इराक से। कौन सी करेगा तुम यहाँ पे? अरे देख रहा, अब ये मारा है इराक को, नहीं समझ में आ रहा इनको। कुवैत एको तो तेल चोरी का आरोप लग गया, बाद में कुवैत ने कहा कि ठीक है हम पास वाले एरिया से तेल नहीं निकालेंगे। सद्दाम हुसैन ने यहां तक कहा कि तुमको जितना निकाल के बेचना है हमारे यहां से ले लो, क्योंकि तुम निकालेगा तो मेरा सब डगर जाएगा। अब उसके बाद ये तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन मैटर कहां फंस गया? कुवैत कहा कि ठीक है तुम हमको नहीं निकालने दोगे, अब बताते हैं तुमको नहीं निकालने देगा तो हमारा पैसा दो, 14 बिलियन दो, हमारा पैसा वापस करो। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? हमारा पैसा दे, वापस दे हमारा। अब बवाल हो गया यहाँ पे, कुवैत और इराक के बीच में क्या हो गया? बवाल हो गया, कहा हमें पैसा दे। ईरान चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। हाँ मांगो मांगो, पैसा मांगो, तुमको बताओ तेल निकालने नहीं दे रहा है और ने तो पैसों रखा है, मांगो। ये तो चाह रहा था कि लड़ जाए सभी दोनों। ऐसे सोचा सद्दाम हुसैन गलती कर दिए, इराक बर्बाद हुआ सद्दाम हुसैन के जीत की वजह से। दोनों देश के बीच समझौता हुआ, तो कुवैत कह रहा है कि ठीक है हम $14 बिलियन नहीं लेंगे, $1 बिलियन बहुत बड़ा होता है, $1 बिलियन समझ में आता है कितना होता है? 8,000 करोड़, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? $1 बिलियन, समझ में आया? 8,000 करोड़, और $14 बिलियन दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इराक ने कहा, कुवैत ने कहा कि ठीक है $14 बिलियन नहीं देना है हमको, तुम $10 बिलियन दे दो। तो इराक कह रहा है कि ना 10 बिलियन ना दे तो $9 बिलियन देंगे। ससुरा केवल $1 बिलियन के वजह से यह समझौता टूट गया, केवल $1 बिलियन के वजह से समझौता क्या हो गया? टूट गया।
सोचिए इतिहास में इससे बेवकूफी, इसीलिए तानाशाही के शासन को अच्छा नहीं माना जाता। यही रीजन था कि 50 करोड़ का जब मामला आया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन पे, तो महात्मा गांधी भी कह रहे थे कि उस चोट्टा को जब देश दे दिए, पूरा साम्राज्य उसका दे दिए, दो देश दे दिए, दो विभाजन दे दिए, तुमको 50 करोड़ रुपया दिख रहा, फिर बवाल कर लेगा, लाइने से युद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि महात्मा गांधी नहीं भी देते तो वो युद्ध की स्थिति में जिन्ना नहीं था, लेकिन जिन्ना वहां तक गिर सकता है, मतलब हम लोग तो गिरेंगे तो पृथ्वी के भूपरपट्टी भी गिरेंगे, उसका क्रस्ट मेंटल कोर तक गिर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जिन्ना की निचतई को महात्मा गांधी समझते थे, वो किसी भी हद तक निचतई पे उतर जाता, भूख हड़ताल पे बैठ जाता भारत की बदनामी करने का। आज तक चिल्लाता पाकिस्तान कि हमारा पैसा रखे हो, हमारा पैसा रखे हो। आज तक कहता हमारी गरीबी का मुख्य कारण भारत है, आजादी के टाइम पे 50 करोड़ रुपया रख लिए। अरे यार 50 करोड़ हमरे से ले ले, तुम पाकिस्तान वापस दे दो। अरे ना पाकिस्तान नहीं तो लाहौरे दे दे। नहीं समझ में आया? आज तक ताना देता कि नहीं देता? देखिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन होना चाहिए। अगर वहां पे रहता तुम 50 के जगह 100 करोड़ ले लो भारत से, वापस आ जाओ। नहीं समझ में आया? पैसा आज तक कुछ, क्योंकि देखिए गिरा हुआ इंसान कभी भी दूसरे को भी गिराना चाहता है, वो अभी कभी उठना नहीं चाहेगा, तो उसका अपनी इज्जत है नहीं है। अब बताइए सद्दाम हुसैन सोच रहा, हिना रब्बानी आई थी, अरे ओकरा कुछ नहीं पता है, हिना रब्बानी पाकिस्तान की पहले विदेश मंत्री रही, तो ओकरा कौन चीज आता है यहाँ पर, याद करके आई रहती है चार को सवाल, इन्हें उन्हें पूछिएगा तो खड़े बोल देती है हमको नहीं पता है, खड़े बोल देती है, अरे तनी इधर उधर लिपा पोती कर लो, कहीं चारे को हमारा बतेबे किया गया था, इतना भी ईमानदारी तोड़े दिखाया जाता है? आप बोलिएगा कभी ऐसा, सीधे बोल देते ना ना आप हमको लिख के दिए थे, ये चार को पूछेंगे, ये कहा पूछ रहे हैं ना बोलते तो। याद कर लेती है जजिया हम बैठ के, चार को सवाल याद करना रहता, कौन जी आपको क्वेश्चन से थोड़े देना है, वो तो जवाब देना है, याद कर लीजिए आप, और सीधे बोल देती है ना बोलती तो नहीं पता हमको। ईमानदार है लेकिन, ईमानदार कहिएगा कि बौक बौक। आगे बढ़े, ये कौन बेवकूफ कर रहा ब्याह करना है, 45 साल की है, एक से एक लोल रहता है सब यहाँ पे, तुम मेकअप पे मत जाया कर, हाँ पीओपी अब पीओपी मारना चालू कर दी सब, ये सब बचा के रखना, ये नोच ले जाएगी सब पीओपी ये सब। आगे समझिए वैज्ञानिक, आगे समझिए, इराक, अब इराक कितना, इराक कितना कर रहा था, 9 बिलियन, और कुवैत कितना मांग रहा, अमेरिका कुवैत को कहा क्यों मत मत मानना, 10 14 मांगो, कुवैत कह रहा है कि जब अमेरिका साथ में है ये है क्या दिक्कत, कहा 10 से कम ना ले तुम, इराक कह रहा है कि 9 से ज्यादा ना दे तुम। सद्दाम हुसैन सेनापति था, कोई चुना हुआ राष्ट्रपति तो था नहीं, सेनापति था, प्रधानमंत्री को हटा के अपने पर बन गया क्या जी देश का प्रमुख, सद्दाम हुसैन उठा हमला कर दिया किस पर, कुवैत, 2 दिन पर पूरा कुवैत कब्जा, 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा, कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, बचा लीजिए हम, मारा है बहुत मार मारा है। सद्दाम हुसैन कब्जा कर लिया, अब पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया, कह रहे हैं कि मान जा जो तेरा पूरा देश ले लिया हम यहाँ। ये इराक के सद्दाम हुसैन ने गलती किया था, यूएनओ ने वार्निंग दिया था कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कुवैत खाली कर दीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो अमेरिका, यूएनओ ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि कोई इससे व्यापार ना करे, तो सद्दाम हुसैन तेलवा का रेट सस्ता कर दिया, कोई खरीदने लगा, पुतिन पे भी तो आर्थिक प्रतिबंध है, तेलवा में डिस्काउंट दे दिया, लोग बाहर में गया तोरा प्रतिबंध, ले आओ इधर तेल ले आओ भाई, नहाएंगे हम ओकरे से। बस माचिस ना मारे कोई। है ना, पहले माचिस मार दिया दिक्कत ना हो जाएगा। आगे बढ़े, तो सद्दाम हुसैन तो निकाल लिया, लेकिन जब 2 महीने का टाइमिंग यूएनओ ने दिया था, यूएनओ ने जब 2 महीने का टाइमिंग देने के बाद जब क्रॉस हो गया, तो यूएनओ ने पास कर दिया
कि इस पर हमला किया जाए। किस पर? इराक पर। 34 देश मिलकर इराक पर हमला करते हैं, 34 देश मिलकर। यहां सबसे बड़ा गलती, बैल उस समय गैरवा चौकवा था, गैरवा चौक थे उस समय रूस के रस पर, मिखाइल गैरवा चौक। उसने बीटो करना चाहिए यूएनओ में, यूएनओ में जब बीटो पावर है, कोई भी प्रस्ताव करो का बीटो कर देता वहां पे, लेकिन उस समय उसने बीटो नहीं। पुतिन भड़क गया, उस समय केजीबी का सदस्य था पुतिन, जवान था उस समय पुतिन, अब ये कौन सा बूढ़ा हुआ है, उस समय यंग एज का था पुतिन, 35-40 के एज का था, समझ में आ गया, 40 हमारे एज का पुतिन उस समय, आधा बूढ़ा। पुतिन भड़क गया, यार क्या कर रहा है तुम, बीटो लगा उसको, तुम्हारा देश के ऊपर सब मिलके मार देंगे सब, तुम क्या करोगे यहां पर, गिनती के तो देश रूस से सामान खरीदते हैं, उसमें एक ईरान था एक इराक था, यूएनओ ने पास कर दिया, और अमेरिका ने बीटो, अमेरिका ने किस पे कर दिया, रूस को, गैरवा चौक की, यदि आप बीटो लगाएंगे तो हम आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगाएंगे। उस समय 1990 का ये दशक चल रहा था, कब चल रहा था, 1990, और रूस टूटा 1991, रूस खुद ही बिखर रहा था, रूस कहा गया यार दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, आईसी का फायदा उठा के यूएनओ ने पास कर दिया सद्दाम हुसैन पर हमला किया जाए इराक पर। 34 देश मिल के मारे थे सब इराक को, 34 कंट्री, 34 देश मिलकर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तान की आंधी, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट। 34 देश मिलकर बिना रुके दिन रात बम्बार्डमेंट किए थे सब, किसके ऊपर, इराक के ऊपर, 34 देश मिलकर, और यह इराक वार कहलाया, कौन सा वार, इराक वार, इसी को कहते हैं गल्फ वार, क्या कहेंगे, गल्फ वार, इराक और कुवैत के बीच में हुआ था गल्फ वार 1990 में। अब मार के तहस नहस कर दिया सब इराक को, पूरा इराक तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इराक वहां पर। अब इराक क्या कर सके, इसमें इतना बम्बार्डमेंट होने लगा जिसका कोई हद नहीं, कुवैत से इराक वापस आया, इसी पर एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट। सद्दाम हुसैन का सख्त आदेश था कि एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलना, दुनिया का कोई देश भारतीय पर नहीं चलाता, कभी नहीं चलाता है वहां पर, रीजन है, चला के देखे ना एक बार, चला के देख लिए ना तो युद्ध कोई भी शुरू किया हो खत्म हम लोग करेंगे, यहां पर बात करते हमारे देश के नागरिकों को मारेंगे। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दिया था सब, एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दे रहा था सब, तालिबान वाला कहा कि नहीं इंडिया वाले को भेज दो, तालिबान जो अमेरिका का बात नहीं सुनता है, रूस की बात नहीं सुनता है, कहा भारतीयों को वापस छोड़ जाने दो, और रिक्वेस्ट कर रहा था भारत सरकार से कि जो भारतीय यहां रहना चाहते हैं उन्हें प्लीज रहने दीजिए, हम गारंटी देते हैं इनकी सुरक्षा की, समझ में आ गया कि नहीं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत सरकार ने अपना दूतावास काबुल में दोबारा चालू कर दिया, समझ में आ गया, और उसकी सुरक्षा तालिबान कर रहा है बाहर से उसको, अंदर आईटीबीपी के जवान है, 75 आईटीबीपी के जवान अंदर खड़े हैं, लेकिन बाहर से सुरक्षा कौन है, तालिबान। सख्त आदेश दिया गया, कोई भारतीय दूतावास पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तालिबान आया था तो अमेरिका ने अपने सारे मदद के रास्ते बंद कर दिए, पाकिस्तान में खुद की भूखमरी थी, भारत ने उसको गेहूं दिया खाने के लिए, जब से 2 साल तक भारत का गेहूं खाया है सब यहाँ पर, तो देखिए वो अच्छा ही ना भाई, हमारे यहाँ अनाज खाए, अरे इन पाकिस्तानियों से अच्छे तो अफगानी है, कम से कम एहसान तो मानते हैं, हाँ इन चट्टों को हम लोगों ने अपना देश दिया, पाकिस्तानियों को एहसान तक नहीं मानते हैं सब, अरे एक बार कह देते तो क्या हो जाता कि बाप हमारा यही है